बैक टू माई चैनल। तो एक बहुत दिनों से ख्वाहिश थी मेरी कि मैं भी कोई सीमेंट क्राफ्ट ट्राई करूं। फाइनली मैंने ये ट्राई किया है और मेरा फर्स्ट पॉट रेडी है। तो ये मैंने लॉकडाउन टाइम जब स्टार्ट हुआ था तब ट्राई किया था और फाइनली इसको फिनिशिंग वगैरह सब कुछ अभी किया है। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ ये ट्यूटोरियल। और ये कोई भी बना सकता है, कोई भी मतलब बहुत ईजी है, आप भी बना सकते हैं आसानी से। तो ट्राई करिए और देखिए कितना क्यूट है। और ये सारी चीज़ें मतलब सीमेंट क्राफ्ट हमको लगता है ना कैसे बनेगा क्या होगा, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत ये है इसकी कि इसमें आप पानी में भी लगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट लगा है, आप मिट्टी भी डाल के लगा सकते हैं पौधा, और साथ में आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स से भी इसको सजा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले बेस हमने दो मतलब पॉट लिए हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है और एक स्टील का बर्तन लिया है। सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर दोनों में ही पॉलीथीन लगा रखी है। और मैं थोड़ा फर्स्ट दिखा रही हूँ कि जैसे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। पानी लिया है और ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि हाथ ना ख़राब हो। सीमेंट से हाथ थोड़े से ड्राई हो सकते हैं, छूट तो जाता है लेकिन ड्राई हो जाते हैं। तो बस अब सीमेंट लीजिए, मैंने इसमें रेत नहीं डाली है, ओनली सीमेंट। सीमेंट लिया और पानी से हमको उसका एक गाढ़ा घोल बनाना है। गाढ़ा मतलब कि ऐसा कि वो आराम से उठ सके और चिपक सके। तो बस इसको अच्छे से घोल लीजिए और जिस पॉट में हम बनाने जा रहे हैं उसमें फिर हम हल्का सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी देखिए पानी और सीमेंट की, इस तरीके। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अगर आप सीमेंट का कुछ भी बनाते हैं। वैसे अगर 1:1 सीमेंट प्लस आप रेत या बालू या सैंड मिक्स करते हैं तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास रेत नहीं थी तो मैंने सिर्फ आपका सीमेंट ही यूज़ किया है। और अपने पॉट में ऑयल लगा दिया हल्का सा, आप चाहें तो वैसलीन या ऑयल लगा सकते हैं जिससे कि निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और उसको डाल दिया मैंने अपने, और हाफ फुल किया है, पूरा फुल नहीं किया है। और उसके बाद टैप टैप करके उसको नीचे कर दीजिए जिससे कि कोई भी एयर बबल ना रहे। इसके बाद सेंटर में मैंने एक दूसरा डिब्बा लिया है और उसको रख दिया है। जितना बड़ा हमको जिस साइज़ का चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम, जितना बड़ा हमको डीप चाहिए उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम लेंगे। और देखिए इसको धीरे धीरे इस तरीके से आप प्रेस करेंगे जैसे कि बॉटम में कितना आपको रखनी है हाइट उसके अकॉर्डिंग। और बस ये एक इस तरीके से ये फिल कर दिया मैंने। इसके बाद मैं एक और बना रही हूँ। तो दो, एक्चुअली मैंने दो पॉट्स बनाए थे और ये सेकेंड वाला है। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है और एक पानी की बॉटल। प्लास्टिक के डिब्बे में पहले सीमेंट डाल दिया मैंने और उसके ऊपर से मैंने बॉटल में ऑयल लगाया है और उसके बाद बॉटल उसमें डीपली धीरे धीरे इस तरीके से टर्न करते हुए अंदर करेंगे जिससे कि अंदर अच्छे से नीचे तक जाए वो। अदरवाइज़ क्या होगा, बेस बहुत मोटा हो जाएगा और आपको ज़्यादा डीप पॉट नहीं मिलेगा। तो इसको अच्छे से धीरे धीरे घुमाना है और सीमेंट हाफ से भी कम ही भरिए आप, नहीं तो बहुत ही मोटा और हैवी पॉट बनेगा। तो हमको हैवी नहीं बनाना है, बस इतना बनाना है कि वो परफेक्ट हो। तो उसके लिए हाफ से भी कम ही सीमेंट भरिए जिस भी पॉट में आप बना रहे हैं। और बस ये दोनों करके आप रख दीजिए इसको 24 आवर्स के लिए। आप चाहें तो 15 घंटे के बाद, 16 घंटे के बाद इस पर पानी हल्का सा डाल सकते हैं। और देखिए मेरा बन गया और मेरे पापा ने कुछ टिप्स दी थी, उसकी हेल्प से ही मैं इसको निकाल पाई थी क्योंकि पहले ये निकल नहीं रहा था। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने बीच की बॉटल निकाल दी है और ये टैप टैप कर दीजिए और देखिए वाव, माइंड ब्लोइंग। जिस दिन ये मैंने बनाया था और ये निकला था ना, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर आई हैव ट्राइड दिस। तो और किसी भी काम को जब आप पहली बार करते हैं ना तो जब सक्सेस मिलती है तो कितनी खुशी होती है। तो मुझे उस दिन बहुत बहुत, और मुझे ये रॉ जो इसका एक्चुअल कलर है यही बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसमें ही मनी प्लांट डाल के बहुत दिनों तक रख दिया था क्योंकि इसके ऊपर कलर मुझे करना नहीं था, लेकिन फाइनली अभी जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो कलर करते हैं। तो कलर बहुत ही सिंपल, मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं और बिल्कुल सिंपल सिंपल इसमें इस तरह से स्ट्रिप्स बना दिए मैंने, मतलब कि डिफरेंट कलर्स को। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग आती हो, पेंटिंग आती हो, ये कोई भी कर सकता है बहुत आसानी से। सीमेंट सबको ही पता होगा, सबने ही अपने बचपन में घर बनते हुए देखे होंगे और सबने वो चीज़ बहुत इंटरेस्ट से देखी होगी। मुझे भी याद है जब भी कहीं कंस्ट्रक्शन होता था अगल बगल में बहुत ध्यान से देखती थी, या अपने घर में जब भी कोई काम हुआ तो बहुत ही ध्यान से देखा। और आपको सबको ये पता होगा कि हमको सीमेंट जब
मतलब सॉलिड हो जाता है, उसके बाद उसको पानी खूब सारा देना होता है तभी वो मजबूत होता है। तो मैंने भी इस पॉट पे खूब सारा पानी भर के मनी प्लांट लगा दिया था और अक्सर पानी छिड़कती रहती थी। तो जब भी पॉट बनाइए उसके बाद 2-4 दिन उसको पानी में ही डिप करके रख दीजिए, जिससे कि वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और कलर देखिए, ये विधि की थोड़ी चॉइस थी, उसको रेनबोज बहुत पसंद है, रेनबो कलर्स बहुत पसंद है, तो मल्टी कलर्स और ब्राइट ब्राइट बनाना था मुझे, तो मैंने इस तरीके से, और कलर चेंज करती जा रही हूँ मैं, डायरेक्टली ट्यूब से ही लगा रही हूँ, एक्रेलिक कलर्स के ट्यूब्स हैं और मैंने बेस कलर नहीं लगाया है, डायरेक्ट मैंने यूज़ किया है। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही ब्राइट कलर आए तो वाइट एक बेस लगा दीजिए और उसके बाद आप, लेकिन सीमेंट पे आप डायरेक्ट भी करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। मैंने सैंड पेपर भी यूज़ नहीं किया है इसको प्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे ये रॉ इफेक्ट इसका अच्छा लग रहा था। वैसे खुरदुरा कहीं भी नहीं था, एयर बबल कहीं भी नहीं था इतने दिन रखे रहने से, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों तक रखे रहा, ये अप्रैल में बन गया था और अभी मैंने इसको कलर किया है अगस्त एंड में, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम। और फिनिशिंग तो मैं अभी कर रही हूँ 1-2 दिन पहले ही, तो बस ये देखिए सारे कलर्स इस तरह से कर दिए मैंने। और लास्ट में बस एक ही टिप है कि इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करिए। हाँ, एक चीज़ मेरी रह गई थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे आइडिया नहीं था, नेक्स्ट पॉट में मैं वो भी बताऊंगी कि आप होल वाला कैसे बना सकते हैं। मैंने इसमें जानबूझ के होल नहीं रखा था, क्योंकि मुझे लगा था मैं मनी प्लांट पानी में रखूंगी, कभी अंदर रख सकती हूँ, किचन में रख सकती हूँ, तो मैंने इसमें होल नहीं बनाया था। आप चाहें तो इसमें होल, जब सीमेंट आप उसमें डालते हैं तो होल के लिए भी एक छोटा सा पाइप या कोई छोटा टुकड़ा वहाँ प्लास्टिक लगा सकते हैं ऊपर तक, जो निकल आए आसानी से। तो बस कलरिंग फिनिश, और ये देखिए मेरा पूरा पॉट कंप्लीट हो गया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो कलर्स लिए हैं आप चाहे तो सेम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे कलर्स होने के बाद ब्रश को गीला किया मैंने, और गीला करके उसको टॉवल पे ड्राई किया हल्का सा, और जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं लगे एकदम से अलग कलर लग रहा है, तो थोड़ी सी मिक्सिंग कर दी है मैंने। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बस मुझे जो आंखों को अच्छा लगता है मैं वो ट्राई करती रहती हूँ। तो बहुत ही खुश हुई थी मैं ये पॉट बना के, और अभी भी मैं जब भी इसको देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, कुछ नया सीखा इस लॉकडाउन में। बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ डाले थे फर्स्ट टाइम एवर, तो मेरे पास भी फर्स्ट टाइम एवर में ये वाला एक पार्ट था। लेकिन इसके बाद जो है मैंने एक्रेलिक लाइनर्स यूज़ किए, मैंने क्या विधि ने यूज़ किए और मैंने भी यूज़ किए, इसका मैंने यूज़ आपको ऑलरेडी लास्ट, मैंने दो जो रीयूज़ ऑफ ब्रोकन कप्स का जो मैंने दिया है ना पॉट वाला ट्यूटोरियल, उसमें मैंने बताया था कि मैं एक्रेलिक लाइनर्स यूज़ करती हूँ और विधि को भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए पाम ट्री बन रहा है इसके ऊपर। तो बस इस तरीके से मैंने और विधि ने मिलके, कुछ भी प्लान नहीं, कहीं से कोई इंस्पिरेशन नहीं, डायरेक्ट हमने ये बनाना शुरू किया। और ये डिज़ाइन भी, क्योंकि मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था कि मैं इसको थोड़ा सा और रख दूँ, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया मुझे लगा आज तो मुझे इसको फिनिश करना ही है, तो बस मैंने तुरंत इस पर मतलब फ्री हैंड जो मुझे समझ में आया, एक्चुअली मुझे मंडला पेंट करना था लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता और मेरे पास टाइम की तो कमी है, तो मैंने फटाफट वाली डिज़ाइन चूज़ कर ली। और कलर्स इतने ब्राइट ब्राइट हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने और विधि ने दोनों ही इस पर हाथ आजमाए हैं, थोड़ा बहुत विधि ने भी किया। ये पाम ट्री विधि को बहुत पसंद आया, उसको लग रहा था कि यही होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं थोड़े से और कलर्स ऐड करते हैं, तो मैंने इस तरीके से ये डॉट डॉट डॉट्स वाले इस तरीके, और एक्रेलिक लाइनर्स जो है ना ये बहुत अच्छे हैं इनको यूज़ करने में, और बहुत ही खूबसूरत ये पॉट बन के तैयार हो गया। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसको, और इसको फिक्स करने के लिए, मतलब ये कलर फिक्स रहे इस पर परमानेंटली, अच्छे से आप वॉश भी करें तो निकले नहीं, इसके लिए मैंने यूज़ किया कलर फिक्सर, जो कि मैंने एक पुराने शॉपिंग हॉल में, अपने अमेज़ॉन के शॉपिंग हॉल में आप लोग के साथ शेयर किया था। तो ये है वो कलर फिक्सर टिप जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये स्प्रे के फॉर्म में है और ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर बना देता है, जिससे कि वो कलर आपका निकलता नहीं है और बहुत ही अच्छा ब्राइट सा लगने लगता है। तो ये मैंने 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ इसको मैं, और ये मैं नीचे लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करिएगा, मेरे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए उनके लिंक्स मैं शेयर कर रही हूँ। तो बस स्प्रे कर दीजिए तो आपका जो ये है ना पॉट सालों साल ऐसा ही रहेगा।
हैंडमेड या खुद बनी हुई चीज़ों को मैं बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ, तो मेरी चीज़ें अभी भी वैसे ही रहती हैं। तो बस आप भी बनाइए और देखिए कितना खूबसूरत महंगा वाला जो बाज़ार में 500-600 का मिलेगा ना, वो वाला आपने घर में 100 रुपीज़ में बना लिया। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इंस्टा पे मेरे साथ पिक्स शेयर करिएगा। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा इसको और बहुत ही खूबसूरत बनता है ये। तो 100 रुपीज़ में बन के तैयार हो गया ये महंगा सा दिखने वाला पॉट, एक बार जरूर ट्राई करना बनता है और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक शेयर करना भी बनता है। इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है, स्टार्टिंग में भी आया है, तो जरूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ पिक्स जरूर शेयर करिएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगेगा और हाँ, सभी प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, क्योंकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड रहिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करिए और सुंदर सुंदर वीडियोस देखिए, सुंदर सुंदर लाइक दीजिए सबको और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आई होप कि इसका ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कोई भी क्राफ्ट की वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, प्लीज़ नीचे पर सब्सक्राइब बटन रेड कलर का उसको क्लिक करिए, उसके बगल में बनी हुई बेल बटन को क्लिक करिए और ऑल का ऑप्शन यूज़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।